तो दोस्तों देखो, ये जो कंपैरिजन है ना, तो ये शॉर्ट तरीके से, मतलब कि शॉर्ट समय के अंदर ही ये कंपैरिजन जो है, तो इसको खत्म करना चाहता हूं। तो इसी वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि जो जरूरी बात है ना, तो वही अब से करना सही होगा। और वो है कि देखो, ये जो TVS कंपनी है ना, तो इन्होंने TVS का ही जो ये रेडर 125 वाला मॉडल है, तो इसको इंडियन वाले वेरियंट का जो पावर है और उसके ही साथ जो कुछ फीचर्स है, तो उसको अलग तरीके से बनाया भाई। और उसके ही साथ जो यही वाला मॉडल जब कोलंबिया में जाता है ना, तो उसके अंदर पावर जो है तो वो भी बढ़ जाता है, फीचर्स जो है तो वो भी भाई खतरनाक सा हो जाता है, और उसके ही साथ एक्स्ट्रा जो कुछ एक्सेसरीज है तो वो भी कुछ उन मॉडल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बस यही जानने वाले हैं कि इंडिया वाला जो मॉडल है TVS Raider 125 का, तो उसके अंदर क्या कुछ चीजें हमें मिसिंग देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल मॉडल से। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों देखो, अभी कोलंबिया वाले मार्केट के अंदर TVS कंपनी की तरफ से TVS Raider 125 का ही एक जो स्पेशल एडिशन है, तो उसको अभी शोकेस किया गया है। और वैसे इसी स्पेशल एडिशन के अंदर ना, ये जो व्हाइट कलर और ये जो ब्लूइश ग्रीन वाला जो कलर है, तो इन दोनों ही कलर को दिखाया गया है। और हाँ, ये कॉम्पेरिजन वीडियो शुरू होने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉम्पेरिजन वीडियो के अंदर जो दोनों बाइक को दिखाऊंगा ना, तो ये दोनों ही बाइक टॉप मॉडल्स होने वाले हैं TVS के ही Raider 125 का और इसी इंडियन मार्केट का भी। और साथ ही साथ ये जो कोलंबिया मार्केट के अंदर जो Raider 125 मिलता है, तो उनका टॉप मॉडल जो है, तो उसके ही अंदर जो कंपैरिजन है, तो वही हम लोग अभी करेंगे। अब इसी कंपैरिजन वीडियो का पहला जो टॉपिक है ना, तो वो है कुछ एक्सेसरीज। अब देखो दोस्तों, इसी इंडिया वाले वेरिएंट के ही हम लोग अगर बात करें, मतलब TVS Raider 125 के ही इंडिया वाले वेरिएंट का अगर हम लोग बात करें, तो इसके अंदर आपको एक्सेसरी के रूप में ये जो साड़ी गार्ड, लेग गार्ड जो है, तो यही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर इसी जगह पर देखें कोलंबिया वाले मॉडल की तरफ, तो देखो दोस्तों, उसी वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्रेक लीवर और क्लच लीवर प्रोटेक्टर, और उसके ही साथ साथ ये जो लेग गार्ड है या फिर क्रैश गार्ड जिसको बोलते हैं, तो वो जैसे कि देख सकते होंगे एक डिफरेंट सा लुक में है। और ये जो चीज है ना, तो इसके ही साथ साथ आप लोग ये भी देख सकते होंगे कि इसी बाइक के ऊपर देख सकते होंगे हैंडल के ही साइड में देखने को मिल रहा है फोन स्टैंड। तो ये जो चीज है, तो ये भी कुछ अलग सा ही देखने को मिल रहा है कोलंबिया वाले वेरियंट में। और इसके अलावा दोस्तों, इसी कॉम्पेरिजन वीडियो के अंदर हम लोग अगर ये पॉइंट को छोड़ के अगर दूसरे पॉइंट की तरफ देखे, तो हमें तभी देखने को मिलता है एक इंजन वाला पार्ट। और ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसमें भी कहीं ना कहीं कोलंबिया वाला मॉडल जो है, तो वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ही आगे निकल जाता है इंडिया वाले वेरिएंट के मुकाबले। क्योंकि भाई कोलंबिया वाले TVS Raider 125 वाले मॉडल के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा ना, तो वो हाँ बेशक से एक सिंगल सिलेंडर वाला एक ऑयल कूल इंजन है 125cc वाला, लेकिन उसके अंदर आपको जो पावर देखने को मिलेगा ना, तो वो है 12.5 bhp। और इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा, तो वो है 11.5 Nm। और उसके ही साथ साथ 5th speed का जो गियर बॉक्स है, तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर उसी जगह पर हम लोग देखें इसी इंडिया वाले वेरिएंट के तरफ, मतलब 125cc वाला ये जो रेडर है, मतलब इंडिया वाला, तो उसका जो इंजन है ना, तो वो भी एक 125cc वाला ही सिंगल सिलेंडर एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला एक इंजन है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 11.2 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो है 11.2 Nm। और उसके ही साथ साथ 5th speed का जो गियर बॉक्स है, तो वही कुछ देखने को मिलता है। मतलब सीधा सीधा आप लोग यही देख ही सकते होंगे कि कोलंबिया वाला जो मॉडल है ना, तो वो भाई बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है इंडिया वाले मॉडल से, और वो भी पावर में। तो ये सब चीजें तो भाई अलग है, लेकिन हाँ, हम लोग अगर देखें तीसरे पॉइंट की तरफ, तो वो आता है भाई मीटर कंसोल। अब देखो दोस्तों, TVS कंपनी की तरफ से ये जो इंडियन मार्केट के अंदर जो टॉप मॉडल आता है Raider 125 का, तो उसके अंदर आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलता है ना, तो वो एकदम ही एक पूरे ही तरीके से न्यू एक TFT डिजिटल कलरफुल डिस्प्ले के साथ में ही जो एक मीटर कंसोल है, तो वो कुछ देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको TVS का जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट है, और उसके ही साथ साथ जो TVS का जो राइडिंग मोड्स है, और इसके अलावा जो आपको ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी जो है, मतलब की जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट के अंदर आता है। और उसके ही साथ साथ हाँ दोस्तों, ये जो मीटर कंसोल है ना, तो इसके अंदर आपको ये जो ऑटोमेटेड ट्रिप मीटर, और इसके अलावा फ्यूल गेज, और इसके अलावा जो ये गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर जो है, तो वो भी कुछ सारा कुछ चीजें जो है, तो वो भी देखने को मिलता है। तो ये एक सीन है कि इसी इंडियन मार्केट के अंदर कुछ तो न्यू रखा है TVS कंपनी ने, जो कि भाई यूनिक भी लगता है और उसके ही साथ साथ बढ़िया भी लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग इसी मीटर कंसोल के ही साथ अगर हम लोग कंपैरिजन करें कोलंबिया वाले TVS Raider 125 के ही मीटर
गेमर कंसोल के साथ। तो देखो दोस्तों, तभी सामने जो आता है ना, तो वो आता है कि TVS Raider 125 की ही जो कोलंबिया वाला मॉडल है, तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है एक TFT कलरफुल डिस्प्ले वाला ही मीटर कंसोल। लेकिन हमारे इधर का जो मीटर कंसोल है, तो उससे ये वाला मीटर कंसोल थोड़ा सा अलग है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। बाकी तो ये जो मीटर कंसोल के अंदर आपको जो फीचर्स देखने को कुछ जो मिलेगा ना, तो उसके अंदर ये जो गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर है, और उसके ही साथ जो टाइम, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, और इसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा जो ये राइडिंग मोड्स, और उसके ही साथ साथ TVS कंपनी की तरफ से इस वाले मीटर कंसोल के साथ जो ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी जो है, तो उसका भी जो सपोर्ट है, तो वो भी कुछ दिया है। मतलब ये वाला जो मीटर कंसोल है ना, तो ये देखने में तो स्टाइल वाइज या फिर डिजाइन वाइज आउटडेटेड है, लेकिन फीचर्स वाइज भाई न्यू ही है। मतलब ऐसे ही कुछ सीन है भाई इसी मीटर कंसोल के साथ। अब देखो दोस्तों, ये जो कंपैरिजन वीडियो है ना, तो इसी कंपैरिजन वीडियो के अंदर हम लोग अगर देखें इन दोनों ही मॉडल्स के अंदर ये जो प्राइस का कुछ डिफरेंस, तो देखो दोस्तों, ये दोनों ही मॉडल का जो प्राइस का जो कुछ गैप है ना, तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा ही है। क्योंकि भाई देख ही सकते होंगे, आपके सामने ही है ये जो TVS Raider 125 का जो हमारे इधर का जो मॉडल का जो प्राइस है, तो वो आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा होगा, जैसे देख ही सकते होंगे। और उसके ही साथ साथ जो कोलंबिया वाला मॉडल है ना, तो उसका भी जो कुछ प्राइस है, और उसको इंडियन रूपी में कन्वर्ट करने के बाद जो आता है, तो वो भी आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा होगा, जैसे कि देख ही सकते होंगे। तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कि हमारा इंडिया वाला मॉडल जो है, तो ये कहीं ना कहीं भाई सस्ता है दूसरे किसी भी देश के मॉडल के मुकाबले, मतलब Raider 125 के। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें देखो ये कंपैरिजन वीडियो के ही अंदर ये ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो देखो दोस्तों, इसी इंडियन वाले मॉडल और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड जो मॉडल बिकता है TVS Raider 125 का, तो उन सभी के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा जो कॉम्बी ब्रेकिंग वाला सिस्टम है डिस्क ब्रेक के साथ साथ, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। और बाकी तो भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा इसी TVS Raider के ही सामने, और उसके ही साथ मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो सस्पेंशन है, तो वो आपको पीछे देखने को मिलेगा TVS Raider 125 के। और बाकी तो लाइट्स का जो सेटअप है, तो वो देखने को मिलेगा हर एक TVS Raider के ही अंदर। LED DRLs के ही साथ साथ जो हेडलाइट है, तो वो आपको LED में देखने को मिलेगा, और टेल लाइट जो है, तो वो भी LED में देखने को मिलेगा। बाकी टर्न इंडिकेटर्स जो है, तो वो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब दादाजी वाला जो है, तो वही कुछ दिया गया है, मतलब हैलोजन वाला बल्ब जो है, तो वही। और हाँ, USB पोर्ट भी आपको हर एक Raider के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।